Hello students, today in a plus two class I am taking the topic grouping of capacitors. You know they are also known as condensers. You know condenser bhi bolte hain beta. So let us see when we will say that capacitors are in series and parallel, right? They are two types of combinations, series and parallel, just like a resistors. 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ देयर ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸੀ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਥਿਸ ਐਂਡ ਟੂ ਥਿਸ ਐਂਡ देयर ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਾਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ and from here in a parallel combinations there is a different path positive to negative jana right this path is there this path is there this path is there so they are in parallel kai bar bade bacche sochde ne bhi dekho assi itho challe aa gaye aa is tarah mud ke emme aa gaye ta eh dono series ch ho gaye nahi aise nahi ho sakda beta कि पॉजिटिव ते चल के तुसी वापस पॉजिटिव नू आ नहीं एमए नहीं कर सकते पॉजिटिव ते तुसी नेगेटिव नू आना है किन्ने रस्ते ने अगर डिफरेंट रस्ता है तो वह पैरल दे विच हो गए समझ आ रहा हूँ समझते ने कि मान लो इत्थे इन्हां कैपेसिटर्स दे नाल एक बैटरी जोड़ी गई है ठीक है आ बैटरी कनैक्ट हो गई दिस इज द पॉजिटिव एंड ऑफ अ बैटरी दिस इज द नेगेटिव एंड ओके रजिस्टर दे विच की होंदा है रजिस्टर दे विच करंट फ्लो होंदा है और वो करंट सारे रजिस्टर दे विच सेम होंदा है कैपेसिटर्स की करदे ने कैपेसिटर दा काम है चार्ज नू स्टोर करना है ना कैपेसिटर एक जस्ट कंडक्टर होंदा तुहानू पता है वे दो कंडक्टर नू तुसी नेड़े रख दिंदे हो तो वह एक की बन जाता है वह जस्ट ए कैपेसिटर बन जाता है ना वह स्टोर कर दिंदा चार्ज हुण एवें ही कर रहा ए स्टोर कर रहा चार्ज ठीक है किवें कर रहा देखो इधरों चार्ज चलिया और क्यों चार्ज जो है पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट है इसलिए पॉजिटिव का चार्ज चलेगा और देखो मान लो इतने चार्ज गया क्यों ठीक और ए प्लस क्यों चार्ज इस जगह पे आ गया इस प्लेट पे आ गया प्लस क्यों दिख रहे हो बेटा प्लस क्यों आ गया कौन इस प्लस क्यों ने की करना है इस प्लेट पे ड्यू टू इंडक्शन कैपेसिटर के प्रिंसिपल से तुम दस्या सी मैं नेगेटिव चार्ज इज सेम माइनस क्यू इधर आ जाएगा और प्लस क्यू इस साइड आ जाएगा उन्हें ये दो जोड़ रखे ने ज्वाइन कर रखे ने इसलिए जो प्लस क्यू इधर आया वो इधर फ्लो हो जाएगा इस तरफ अब फ्लो हो गया अब प्लस क्यू इधर आ गया अगेन इंडक्शन की वजह से नाल ए प्लस क्यू इधर माइनस क्यू क्रिएट करेगा और प्लस क्यू इधर आएगा वो प्लस क्यू इस तरफ आ जाएगा ड्यू टू द कनेक्शन एंड प्लस क्यू विल अपीयर हियर सेम माइनस क्यू विल अपीयर हियर एंड प्लस क्यू दिस वे विल फ्लो ठीक है इस तरह करके चार्ज जो है इससे प्लस क्यू इससे प्लस क्यू माइनस क्यू क्यों क्यों चार्ज सारे दे सेम आया मतलब क्या है अगर सीरीज दे विच कोई कैपेसिटर्स लगे ने चार्ज सारे सेम होएगा क्या चीज सेम होएगी चार्ज सेम होएगा जिमें रजिस्टर दे विच करंट सेम होंदा है इत्थे चार्ज सेम सेम होया इफ दिस कैपेसिटी सी वन यू नो पोटेंशियल दा फार्मूला साडे कोल सिंपल फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू सी वी कैपेसिटर दे प्रिंसिपल असीं पढ़ चुके हां तां पोटेंशियल किवें बनी B is equal to Q over C. मतलब क्या है इधर पोटेंशियल लिखांगे इधर Q लिखांगे इधर C लिखांगे सारे का Q अलग अलग करांगे तो सारे का Q Q सेम आएगा पर कैपेसिटी सारे भी अलग है ना Q over C2 Q over C3 अगर नीचे C C अलग है तो ये पोटेंशियल भी अलग हो गया मतलब क्या होया कहन दा सबना को सेम चार्ज होएगा और पोटेंशियल सबना दी अलग अलग होएगी उन्हों दी कैपेसिटी दे डिपेंड करती है जिदी कैपेसिटी कट उन्हों ज्यादा पोटेंशियल मिल जानी है जिदी कैपेसिटी कट उन्हों ज्यादा पोटेंशियल मिल जानी है मतलब जो पोटेंशियल तुसी इत्थों सप्लाई कीती है इन्हां तीन कंबीनेशन नूं तीन रजिस्टर दे तीन कैपेसिटर दे कंबीनेशन नूं ओ इन्हां
थ्री ही सेल्स डिवाइड हो जाएंगे B1, B2 and B3। लग समझा गया बेटा कैपेसिटर की तरह। चलो निकालते हैं पोटेंशियल थ्रो कैपेसिटर्स। पहले कैपेसिटर का कितना पोटेंशियल होया V1 क्यू ओवर C1, B2 क्यू ओवर C2, B3 क्यू ओवर C3। हुण अगर तुसी समझो कि इन तिना रजिस्टर का कैपेसिटांस सॉरी कैपेसिटर नहीं तिना ही कैपेसिटर का कैपेसिटांस रिजल्टेंट जो है वो CS आंदा है और इसनों भी तुसी बी वोल्ट नाल जोड़ दे हो ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿਊ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲਾਈਏ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਓਵਰ ਸੀ ਐਸ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਜੋ ਕਿ ਕਿਊ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਆਏਗਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੀ मतलब टोटल पोटेंशियल जो है वो टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटी करके तुसी निकाल लिया। हुण देखो टोटल पोटेंशियल जो है वो ए वी वी वन बी टू प्लस बी थ्री करके लिखी जाएगी। बी दी वैल्यू इधरों लिख लो बी वन दी बी टू बी थ्री दी लिख ली क्यू क्यू इतने कॉमन आया उपर कट गया राइट दिस विल कट ईच अदर्स एंड द रिजल्टेंट इज वन ओवर सी एस इज इक्वल टू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू लाइक दैट। मतलब क्या है ए रिजल्ट जो रजिस्टर दे विच रजिस्टर अगर पैरल च लगे होंगे सी तां आंदा सी ओ इत्थे सीरीज च आ गया उल्टा हो गया कि सीरीज दे विच असी लगावांगे तां कैपेसिटी जे है उहदा रिजल्टेड दा रेसीप्रोकल सम आएगा इंडिविजुअल कैपेसिटी दे रेसीप्रोकल दा सम दे बराबर है ना। इंडिविजुअल दा कैपेसिटर दा रेसीप्रोकल लाओगे और उहदा सम करोगे मतलब कैपेसिटी कट जाएगी। पैरल च लैके की होंगे कैपेसिटी ए रजिस्टेंस पैरल दे विच रजिस्टेंस लगाइए तो की होंगे सी रजिस्टर कट जाती सी। हुण सीरीज लगाओगे कैपेसिटर्स है ना हुण असीं कैपेसिटर डिस्कस कर रहे हैं तो सीरीज दे विच कैपेसिटर लगा के कैपेसिटी कट जाएगी। चलो हुण पैरल की गल करते हैं ये असीं तीन रजिस्टर्स पैरल चला लें ठीक है अलग अलग कैपेसिटी है C1 C2 C3 लेट अस राइट। इस तरफ से चार्ज प्लस क्यू एंटर लग गया कर राइट प्लस क्यू इधर आ गया हूँ ओ प्लस क्यू इधर 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 जाएगा। तीन अलग अलग रास्ते ने तो तीन अलग अलग हिस्से च हो जाएगा और प्लस क्यू वन इधर आ गया माइनस क्यू वन इधर आ गया प्लस क्यू टू माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री माइनस क्यू थ्री समझा रहे बेटा दिस इज प्लस क्यू वन एंड दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू टू इधर आ गया क्यू वन बाहर पॉजिटिव दा इधर क्यू टू एंड क्यू थ्री एंड बाहर फिर क्यू क्यू ही एंटर किया क्यू ही बाहर आएगा समझा गया। क्यों अलग अलग होया क्योंकि क्यू जो है फार्मूला देखो सी इज इक्वल टू क्यू वी इन सारे कैपेसिटर्स नू सेम पोटेंशियल मिलेगी क्योंकि ये पैरल च लगे हुए हैं है ना। जिन्नी पोटेंशियल्स फर्स्ट दी है उतनी ही सेकंड दी उतनी ही थर्ड दी अगर बी सब दी सेम है तो क्यू कितना आएगा सी क्यू इज इक्वल टू सी बी सो क्यू कितना आ गया अलग अलग कैपेसिटी है और पोटेंशियल सेम तो अलग अलग कैपेसिटी की वजह ना अलग अलग आएगा जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उसके ऊपर चार्ज ज्यादा आ जाएगा। क्यू वन कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज इट्स कैपेसिटी इट्स पोटेंशियल सेकंड कैपेसिटी सेकंड पोटेंशियल थर्ड कैपेसिटी थर्ड पोटेंशियल चार्ज आ गया टोटल चार्ज किवें आया देखो हूँ अगर तुम फिर कहो कहो कि असं तीन नहीं लगाने एक कला लगाना है जो कि रिजल्टेंट हो गए बी वोल्टेज नाल असं जोड़िए कितना चार्ज गया जाएगा उदे च क्यू जाएगा और माइनस क्यू इधर होएगा तो उस कंडीशन दे विच एक क्यू किवें लिखा जाएगा क्यू इज इक्वल टू इदी कैपेसिटी रिजल्टेंट कैपेसिटी क्यू इज इक्वल टू सी बी एंड इट्स पोटेंशियल वी ठीक है बेटा समझ आ रहा नाउ सी टोटल चार्ज दिस क्यू इज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री
टोटल चार्ज दीजिएगा, टोटल दी ही कैपेसिटी और पोटेंशियल, फर्स्ट दी, सेकंड दी एंड थर्ड दी, प्लस कर लें, ठीक है, वी वी इतने कॉमन आ जाएगा एंड कट जाएगा, की हो गया। पैरेलल दे विच जिक्र करसी कोई कैपेसिटर लाइन है तो कैपेसिटी जो है वो प्लस हो जाएगी, मान लो इसकी कैपेसिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6, मतलब पैरेलल दे विच रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस नू प्लस करके आएगा। So, beta, we have seen that in a capacitor, the charge is stored and that charge is having the electrostatic energy. उदे कोल energy आ जाती है, वो energy store कर लेते हैं। एक प्लेट ते positive, एक प्लेट ते negative. और असी वो सर्किट जोड़ दिए तो वह जो है वह करंट फ्लो करवा देता है इमीजिएटली, मतलब उदे की एनर्जी स्टोर हो गई, किसी कैपेसिटर दे विच कितनी एनर्जी स्टोर है, उदे च कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, वह असी किवें निकालांगे, की साडे कोल फार्मूला है उन्हों कैलकुलेट करन लई। जस्ट असी इमेजिन करते हैं कि एक कैपेसिटर दे प्लस क्यू चार्ज एक प्लेट ते माइनस क्यू एक प्लेट ते, राइट, और उदी कैपेसिटी सी है तो उदे च कितनी एनर्जी आएगी। इसनों करन लई समझन लई असी पहले इमेजिन करते हैं कि साडे को दो प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स, वन एंड द सेकंड वन, स्टार्टिंग दे विच इन्हां को ये दोनों ही न्यूट्रल ने, कोई चार्ज नहीं है। मान लो प्लेट सेकंड जे है वो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स दे विच डी क्यू चार्ज प्लेट टू फर्स्ट नू दे रही है, जब ये चार्ज प्लस क्यू देगी तो इतने नैगेटिव चार्ज आ जाएगा और इतने पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरह करके चार्ज जो है थोड़े थोड़ा करके डी क्यू की इंस्टॉलमेंट्स दे विच ए प्लेट फर्स्ट प्लेट नू दे जा रही है। क्लियर हो गया। मान लो कि दिंदी जा रही है, दिंदी जा रही है, एक टाइम आ गया कि इस प्लेट से प्लस क्यू चार्ज आ गया, इससे माइनस क्यू स्मॉल इंटरमीडिएट एक स्टेट आ गई, राइट, बिटवीन, हल तक असी होर देना है, दे के कैपिटल प्लस क्यू करना है, पर इन बिटवीन स्टेट आ गई, राइट, जब ये स्टेट आई तो उस टाइम कितनी पोटेंशियल इतने बन गई सी, क्योंकि क्यू चार्ज है, सी कैपेसिटी है, तो पोटेंशियल का फार्मूला आ गया सी यू नो क्यू इज इक्वल टू सी वी, सो वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी, तो जो चार्ज है वो क्यू है, जो स्टोर होया कैपेसिटी सी है, तो इतनी इधर पोटेंशियल आ गई। क्लीयर नो, देखो समझो इतने प्लस प्लस क्यू चार्ज आ गया और इतने तो तुसी होर चार्ज देना चाहते हो, ये चार्ज देना तो नहीं दूगा, है ना, ये रोकेगा, तुहानू चार्ज देना ही है क्योंकि तुसी चाहते हो भी इहदे उपर होर चार्ज होके प्लस क्यू कैपिटल हो जाए, इहदा मतलब की होया तुहानू वर्क करना पैना। क्यों करना पैना वर्क, अगेंस्ट द पोटेंशियल क्रिएटेड बाय दिस प्लस क्यू चार्ज, दिस स्मॉल प्लस क्यू चार्ज, राइट, तो जो वर्क तुसी कढ़ोगे नैक्सट डी क्यू चार्ज देने लई उसी कीमें लिखोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू गिव मोर डी क्यू चार्ज टू प्लेट वन, तुसी जो चार्ज देना चाहते हो डी क्यू नू किवें आएगा, किवें आंदा है, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज मूव्ड, है ना, फार्मूला तुहानू तुसी कई बार पढ़ चुके हो, वी इज इक्वल टू डबल्यू ओवर क्यू, सो डबल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, सो कितनी पोटेंशियल है, क्यू ओवर सी पोटेंशियल है, इहदे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कितना चार्ज मूव करांगे, डी क्यू चार्ज मूव करांगे, सो वर्क इज इक्वल टू क्यू ओवर सी डी क्यू, इतना काम करना पिया स्मॉल वर्क होर डी क्यू चार्ज देने, पर मैं डी क्यू चार्ज ही थोड़े देना है, मैं तो जीरो चार्ज सी जीरो से लेके जीरो चार्ज से लेके प्लस क्यू दे देना है ना, डी क्यू स्मॉल डी क्यू देते 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 प्लस क्यू दे देना है, तो मैं की करूंगा इंटीग्रेट करूंगा, है ना, यू नो फिजिक्स मैथड, हैंस वर्क डन टू गिव चार्ज प्लस क्यू, टोटल जीरो टू प्लस क्यू यू कैन राइट, कितना हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड, ठीक है, कॉन्स्टेंट सी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, जीरो टू क्यू कितना क्यू डी क्यू,
प्लस वन क्लास तुसी पढ़ के आए हो, एक्स की एन डी एक्स है ना, एन एक्स एन माइनस वन कितना बन गया, एक्स की एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, सो क्यू स्क्वायर ओवर टू, वन ओवर टू विल कम आउट राइट, एंड देन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लाइक दिस, लेट मी राइट प्रॉपरली, वन ओवर टू सी एंड इन साइड इज देयर दिस टू इज कमिंग आउट एंड कैपिटल क्यू स्क्वायर जीरो मीनिंग इज दिस हाफ क्यू स्क्वायर ओवर सी, दिस इज द वर्क डन। तो इतना काम तुहानू करना पिया, नैचुरली जिन्ना तुसी काम कर रहे हो चार्ज नू स्टोर करने लई ओदी पोटेंशियल एनर्जी है। कई बार बोलता हूं तुहानू मैं, ईट उपर रखी है, जितना काम उपर रखण नू कीता गया है वह उस ईट की एनर्जी है, उसी तरह ये ईट की एनर्जी है, बट नाम अलग है, इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ईट के विच जो एनर्जी होंदी उहदा की नाम है, सोचो सोचो, ईट नू उपर रखते हाँ तो उहदे विच जो एनर्जी आ जाती उहदा नाम सोचो, आ गया दिमाग च, यस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर चार्ज रखे चार्ज स्टोर किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी राइट, सो इनू यू लिख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर ओवर सी, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी फार्मूले के नाल तुसी इन्हां नू चेंज कर सकते हो है ना, अगर तुसी क्यू की वैल्यू सी वी रखोगे तो यह बन जाएगा इस तरह, अगर तुसी इधर सी की वैल्यू क्यू ओवर वी लिखोगे तो यह बन जाएगा। नॉर्मली तुसी ये फार्मूला याद रखोगे, एनर्जी स्टोर इज हाफ सी बी स्क्वायर। थैंक यू।